आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इससे पहले हम जान लेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? तो किसी माध्यम से आ रही प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस मुड़ जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। देखिए, ये कोई चिकनी सतह है, एमएन कोई चिकनी सतह है, और ये कोई आ रही अनंत से आ रही कोई किरण है। ये चिकनी सतह से टकराकर इस दिशा में वापस मुड़ जाती है। तो मान लीजिए ए ओ कोई किसी माध्यम से आ रही किरण है, जो ये चिकनी सतह से ओ बिंदु पर टकराकर वापस मुड़ जा रही है। तो इसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण यानी किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण, किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकराकर वापस मुड़ जाने वाली किरण को, टकराकर वापस मुड़ जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, टकराकर वापस मुड़ जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, अब इस पर एक लंब डालेंगे, ये लंब हो गया, इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, तो देखिए दो कोण बन रहा है, एगो ये कोण बन रहा है, एगो ये कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के, ये दोनों रेखा के बीच जो कोण बनता है, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे हम आई से सूचित करते हैं, इसे हम आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल या बिंदु में होता है। जैसे देखिए, ये परावर्तित किरण एक ही बिंदु में, आपतन अभिलंब भी, परावर्तित किरण भी एक ही बिंदु पर है। अब दूसरा हो जाता है आपतित आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। इसे हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम।